पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नामक पिक्चर जो है वो पूरे भारत में काफ़ी पॉपुलर हुई थी और इस पिक्चर के हीरो जो थे अल्लू अर्जुन थे, और अल्लू अर्जुन के द्वारा पुष्पा वन में जिस तरह का डायलॉग दिया गया था उस डायलॉग से लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। बता दें कि आज अल्लू अर्जुन जो है वो पटना में पुष्पा 2 की लॉन्चिंग करने आ रहे हैं, जिसे देखने के लिए आप पटना के गांधी मैदान में देख सकते हैं कि जो युवाओं और लोगों की भीड़ है। सिर्फ पुष्पा 2 के जो हीरो हैं उनकी लॉन्चिंग के दौरान पटना पहुंचने को लेकर के सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहां पर लोग एकजुट हुए हैं, और उनकी चाहत है कि उन्हें टिकट मिले और वो भी जो है अल्लू अर्जुन की एक झलक पा सके। यहां पर जो कुछ लोग युवा हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहां पर क्यों पहुंचे हैं। और आप लोग यहां पर क्यों हैं? अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए। कौन है अल्लू अर्जुन? बड़े एक्टर हैं साउथ के। साउथ के कैसे वो पॉपुलर हुए? वो अपने फिल्मों के माध्यम से बहुत बड़े मतलब एक्टर बन चुके हैं। माध्यम से फेमस हुए हैं पुष्पा के माध्यम से। पुष्पा के माध्यम से क्या ऐसा था पुष्पा में? पुष्पा मतलब कि एक मूवी ऐसा था ना कि उसमें इतना क्रेज था मूवी में कि लोग देखने के लिए मतलब कि पहले टॉलीवुड को बस साउथ जानता था, पूरा इंडिया जान रहा है, पूरा वर्ल्ड जान रहा है। वर्ल्ड जान रहा है क्या? कुछ खास डायलॉग था उसका? पुष्पा राज झुकेगा नहीं, पुष्पा राज झुकेगा नहीं। आज उसी को आप लोग देखने यहाँ पे? हाँ, उसको देखने आए हैं और अस्मिका मंदाना को देखने आए हैं। तो अल्लू अर्जुन के साथ कई ऐसे जो अभिनेत्री हैं, अभिनेता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और उनकी एक झलक पाने के लिए आज पटना के गांधी मैदान में सुबह से ही लोगों की कतार लग चुकी है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आखिर अल्लू अर्जुन है कौन। सर, आप तो अल्लू अर्जुन की तरह लग रहे हैं। नहीं लग रहे हम, मगर फैन है उनके। किन्हें देखने आए हैं यहाँ पे? सबको देखने आए, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना। और अच्छा, ये अल्लू अर्जुन कब से फेमस हो गए? जब से पुष्पा आया, उससे पहले ही फेमस थे लेकिन उतना क्रेज नहीं था पुष्पा के बाद। क्या था उसके खास, क्या डायलॉग है अल्लू अर्जुन? क्या उसका? झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। क्या लगता है कि यहाँ भी आएंगे तो इस तरह का डायलॉग देंगे? अभी काहे नहीं देंगे अभी, लेकिन पहले टिकट मंगवा दीजिए हम सबको। पहले टिकट मिल जाना चाहिए। तो जिस तरह का मैनेजमेंट है, क्या लग नहीं रहा है मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया था टिकट के लिए? तो बोला सिर्फ फ्री पास मिलेगा, हम तो देख नहीं रहे हैं उस तरह का मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया था कि फ्री पास जो है यहाँ पे लोगों को मिलेगा, लेकिन पास तो दूर, यहाँ पे अभी तक टिकट काउंटर भी नहीं खुला है। लेकिन जो लोगों की उम्मीद है, उस उम्मीद के लिए को लिए सुबह 6 बजे से ही लोग यहाँ पे कतार में खड़े हैं और टिकट की आस में लगे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी यहाँ पे पहुँचे हैं। किस लिए आए हो? अच्छी पास लेने हैं। कौन चीज का पास लेने हैं? वही अल्लू अर्जुन आने वाला है। अल्लू अर्जुन? हाँ, अल्लू अर्जुन आने वाला है। हाँ, कौन है अल्लू अर्जुन? बड़ा सुपरस्टार है। तो इधर तक हो ना, बड़ा सुपरस्टार है। कौन सा उसका डायलॉग जानते हो? कुछ क्या बोलता था अल्लू अर्जुन? पुष्पा राज। क्या बोलता था, क्या बोलता था उसका डायलॉग, कुछ याद है? झुकेगा नहीं साला। कैसे बोलता था झुकेगा नहीं साला? झुकेगा नहीं साला, उसी को देखने आया हो? टिकट मिला? मिल रहा है। मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? अभी तो टिकट का काउंटर है बंद है। आ रहा है लेके, पेटी आ रहा है लेकर के। किसे देखने आया सर? देखने नहीं आया है, पास लेने आया है। पास लेने आया है तो आके पास लीजिएगा, तभी तो किसी को देखिएगा। तो देखने तो ट्रेलर देख रहे हैं। ट्रेलर देखने आया है। किन स्किन्स को ज्यादा चाहते हैं? इतने अभिनेता लोग आ रहे हैं, नेता लोग, इतने अभिनेता लोग आ रहे हैं, किन्हें देखना ज्यादा पसंद करेंगे? अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन को क्यों देखना है? क्योंकि हमारा फेवरेट एक्टर हो गया है वो अब तो। जी, शुरू से ही। शुरू से ही जी। क्या उनके खास कुछ डायलॉग? वही जो चल रहा है इस चीज के लिए, पुष्पा। क्या क्या खाए डायलॉग? आ रहा है झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला जी। तो तमाम जो यहाँ पे युवा हैं, उन तमाम युवाओं की बस एक ही आवाज़ है कि झुकेगा नहीं साला से पुष्पा राज के हीरो जो हैं अल्लू अर्जुन, वो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें देखने के लिए यहाँ पर युवाओं की जो है लंबी कतार लगी हुई है, आप देख सकते हैं। सर, किस लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे हम लोग पुष्पा 2 के जो यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च होगा उसके पास के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। कौन कौन लोग यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे साउथ के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन यहाँ पे आ रहे हैं, रश्मिका मंदाना उनके साथ में आ रही हैं, और एक भोजपुरी जो एक्ट्रेस हैं अक्षरा सिंह, वो भी यहाँ पे आ रही हैं। आप इन तमाम लोगों में किसे पॉपुलर मानते हैं? इन तमाम लोगों में देखिए, हम तो अल्लू अर्जुन के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बड़े फैन। कब से? कब से देखिए, अच्छा, अल्लू अर्जुन का कोई खास वजह आपको ज़्यादा आपका क्रेज लेने का? उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है।
फिल्में अच्छी अच्छी करते हैं वो। किस डायलॉग से वो पॉपुलर हुए थे? डायलॉग उनका माचिस तो यूं ही बदनाम है, किसी को जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफ़ी है, ये एक अला बैकुंठ प्रमलू का एक डायलॉग है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लू अर्जुन के जो डायलॉग हैं वो तमाम लोग जो हैं युवा जो हैं याद किए हुए हैं और आज उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जो लोग यहाँ पे हैं उनका कहना है कि जिस तरह से पुष्पा वन में उनका जो डायलॉग था कि झुकेगा नहीं साला, इस झुकेगा नहीं साला को लेकर के ही वो काफ़ी पॉपुलर हुए और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। पास मिलेगा अभी आपको थोड़ी देर के बाद, पुष्पा को देखने आए हैं, उसी के लिए इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। क्या खास है अल्लू अर्जुन में? उसमें देखिए वो झुकेगा नहीं कभी, उसका वही डायलॉग सबको अच्छा लगता है, इसीलिए सब आए हुए हैं और उसका स्टाइल अच्छा लगता है सबको। क्या खास डायलॉग था जी? पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। आप किसे देखने आए? अल्लू अर्जुन को देखने आए। खास वजह? आप अच्छा लगता है, हम लोग को पसंद है। क्या कुछ खास डायलॉग? पुष्पा राज साला झुकेगा नहीं और बहुत सारा उसका अच्छा अच्छा डायलॉग भी है उसमें। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला इस डायलॉग से पॉपुलर हो चुके अल्लू अर्जुन को देखने के लिए पटना के गांधी मैदान में सुबह 6 बजे से ही बड़ी संख्या में युवा जुटे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि टिकट मिल जाए, लेकिन अब तक टिकट काउंटर नहीं खुला है और जिसके बावजूद आज घंटों युवाएं जो हैं वो लाइन में लगे हुए कतारबद्ध हैं कि उन्हें टिकट मिलेगी और वो अल्लू अर्जुन की एक झलक पा सकेंगे। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शनी न्यूज पटना।